you been i hope you are doing great uh, so we are back with a bang and with another topic that too which is going to be very exciting and very interesting but before that uh, welcome to the very session your party my name is nadiya aurora and uh, today's session is going to be very interesting, very uh, keen, very intriguing uh, for all of you. But I would love for you to join the session ASAP. Okay? So just let me know uh, quickly a few things that is, if you are live, audible, and visible, just so we could start off with the topic. Okay? We'll begin the show in a jiffy. <laughs> Chalo. How have you been? I hope you are doing great. I hope you all are doing fit and fine. नाउ uh, हमारा जो आज का सेशन है ना बेटा वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है एज आई वो ऑलरेडी टोल्ड यू जो हमारे सेशन है वो इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप उसमें सोशल साइंस का ऐसे बिट्स एंड पीसेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे एंड पार्ट वेज आप जो है आप जो हो जुल्फिकर घोष उनकी स्टोरी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके लिखने के स्टाइल के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे ठीक है चलो तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बट बिफोर दैट आई वुड रियली लव यू टू गेट अकवेंटेड विद द फैक्ट कि अगर आप प्लान कर करो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे किसी भी टाइप का प्लान या फिर पैक लेने का देन डू नॉट फोरगेट टू अप्लाई माई कोड जो रीड करता है एन आई डी एच आई जीरो वन ठीक है एंड थ्रू दिस कोड यू कैन अवेल अ फ्लैट टेन परसेंट ऑफ एंड एस योर स्कूल एग्जाम्स विद एस अन अकेडमी दैट इज Uh, before moving uh, forward with the topic, I would really love for you to mm, have my introduction on your plate just so we can get, uh, we can gel up, we can talk we can familiar. Take me not just as your teacher, I could be your friend, I could be everything that you've been looking for all this while to find your answers to the questions. सीके? and i am your confidant as well so you can be everything you i like you can be everything with me in this class okay i would love to hear from the other side if we all are on the same page or not so here is my introduction bachchapati hi dear learners my name is nidhiya Rura, and i'm your english educator only on an academy i'm a graduate from hansraj college delhi university and i'm also a master's in chemistry from jamia now, in all of my years in teaching, I've been fortunate enough to try my hands on the students coming from SSE and NDA backgrounds. Uh, I've also taught and dealt with the students belonging from CBSE and State Board examinations. So that's about it. Okay. So I think we are good to go with our topic. But before that, let's recap for a while. वैसे तो इस क्लास में हमारा लाइक एवरी टॉपिक विल बी इंडिविजुअल टॉपिक एवरी टॉपिक हैज़ बिन डिस्कस सेपरेटली बट स्टिल जस्ट सो यू डोंट लूज अकाउंट ऑन वॉट आर वी अप टू तो मुझे लगा यार थोड़ा बहुत रिकेपिचुलेशन जरूरी है मेमरी का है ना बादाम वदाम तो खा के नहीं आते हैं तो ऐसे ही आपको याद दिला देते हैं ठीक है तो बेटा लास्ट क्लास में अप टिल नाउ वी आर डन विद अ फ्यू चैप्टर्स एंड दोज आर स्टार्ट किया था हम लोगों ने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के साथ जिसके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से वन शॉर्ट रिविजन में हमने डन किया देन कम्स द फर्स्ट चैप्टर और उसकी फिर पोम आ गई थी पोम थी द एंट एंड द क्रिकेट उनके उसके बारे में भी हमने बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत अच्छी सी मॉरल लेसन लेके हमने अपने कॉन्सेप्ट को किया था क्लियर शॉर्ट उसके बाद जब मूविंग फॉरवर्ड तो हमें रियलाइज़ हुआ था बेटा कि हमने ना बहुत कुछ अभी गेन किया है बट फिर सेकेंड चैप्टर में हमने और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करी थी क्योंकि ये जो आपकी हनी ड्यू के चैप्टर्स हैं ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा हुक अप रखते हैं सो so, उसके बाद हमने ना सुनामी जैसी बहुत ही ज्यादा घातक बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैवजार्डर स्टोरी सुनी थी अब नेचर से ही रिलेटेड हमारी आज की भी स्टोरी रहेगी सो आई होप वी आर वेल वर्स्ड विद वाट्स गोइंग ऑन अप टिल नाउ ठीक है तो वॉट वेंट ऑन बेसिकली अपन नाउ अभी हमें बहुत कुछ चीज़ें पता करनी भी है और पता चली भी है सुनाओ प्रेजेंटिंग आर्ट डेज टॉपिक आज के टॉपिक को एक बार डिस्कस कर ले बेटा तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इफ़ यू लुक एट द आस्पेक्ट्स वेरी केयरफुली इफ यू लिसन टू द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू लिसन टू द सेम वेरी अटेंटिवली तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा एक ही क्लास में तो आपको फिर एग्जाम में इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर ही आपको वन शार्ट रिविजन मिल जाएगा कूल है सॉर्टेड है चलो जी तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है ना इट इज़ named by इट इज़ uh, आपका जो ये टॉपिक है वो सेकेंड यूनिट से है जिसका नाम है जी सुनामी ने तो सुनामी ले आया था थर्ड यूनिट से है बेसिकली जियोग्रफ़ी लेसन ठीक है जियोग्रफ़ी को हिंदी में बोलते हैं बेटा भूगोल शास्त्र और उसका लेसन है अब आप मैं आपको पूरी प्रॉपर जियोग्रफी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी हाँ उसके कुछ बिट्स एंड पीसेस उसकी एक जिस्ट आपको मिलेगी जो कि लिखा गया है जो कि लिखी गई है बाय वन एंड ओनली जुल्फिकर घोष ठीक है तो जुल्फिकर घोष जी के बहुत सारे हमें जो है पॉइंटर्स मिलेंगे हमें ये जो पूरी राउंड अर्थ है उसका फिगरेटिवली और लिटरली लिटरली हमें जो आइडिया मिल जाएगा डेटा मिल जाएगा कि अच्छा हमारी अर्थ में ये ये चल रहा है ऐसा नहीं है कि हमें इनकी बातें पहले से पता नहीं थी कोर्स वी न्यू इट वी न्यू ऑल अबाउट ज्योग्राफी जो ये जिस आस्पेक्ट से जिस पहलू से ये बताना चाह रहे हैं ना वो तो हमें पहले से ही पता था बट हाँ वी डिड नॉट हैव थिंक अपॉन इट वी डिड नॉट है वी हैव एन थॉट थॉट थ्रू अप टिल नाव क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है तो जुल्फिकर घोष जी के जो स्टोरीज जो कि लिखने का स्टाइल है ना दैट्स बेसिकली एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस फॉर एवरीबडी ओके तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी ये जो है हमारा लेसन ये इंग्लिश की क्लास में चलेगा तो so ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा नोट डाउन कर लीजिए भूगोल शास्त्र और इसी की पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं जी राइट right? क्लियर है सॉर्टेड है ओके तो फिर डन है पढ़ लेंगे उसमें क्या है है ना तो ज्योग्राफी लेसन में जब हमें भूगोल शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके अंदर जाके क्या ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हमें क्या चैप्टर का ओवरव्यू कराएंगे सब्जेक्ट के बारे में क्या हमें डीप डाउन स्टोरीज सुनने को मिलेगी या कोई डार्क स्टोरीज है उसके पीछे आखिर है क्या तो वी विल गेट टू तो नो ईच एंड एवरी फ्रॉम मतलब जीरो से स्टार्ट करके हम सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे हमारे जुल्फिकर घोष जी का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है वी आर डन विद विदैप नाउ लेट्स हियर अ लिटिल मोर फ्रॉम जुलफ़िकर गोस उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं जस्ट सो वी कैन डीप डाउन लाइक अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ दिस पोम बहुत अच्छे से पढ़ लें बेसिकली ठीक है तो ये जो जोग्रफ़ी लेसनस हैं ना बेटा इसमें आपको प्रॉपर भूगोल शास्त्र के लेसन नहीं मिलेंगे टेंशन नॉट डर मत जाना कि मैम अभी तो आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे फिर आपने दो तीन सब्जेक्ट से पाइल ऑन कर दिया हमारे तो सर चक्र आ जाएगा नहीं यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट बाबा आपको बस यही सोचना है कि जो जुलफ़िक्र घोष जी हैं क्या इनके मन में आया जो इन्होंने साहित्यकार होकर ये जोग्राफी के लेसन लिखने चाहे क्या क्या सोच रहे होंगे वो बेसिकली है ना तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख लेते हैं बेसिक बेसिकली तो आइए भैया लेट मी लुक फॉर माई पॉइंटी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फिकर घोप्स ओके चलो ये मान लेते हैं बेटा ये जो जुलफ़िकर घोसे पहले तो इनकी बर्थ डेट याद कर लेते हैं कुछ नहीं है इनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई एल नॉट से कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम आप अगर इनका नाम याद कर लो इनकी फ़ोटो याद कर लो इनकी तस्वीर देख लो अच्छे से और अपने जहन में घुसा लो तो वही बहुत है वही काफ़ी है वन मार्कर के लिए इससे ज़्यादा कुछ पूछने भी नहीं वाले बट हाँ हम एक एक चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ होना चाहते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि हम और ज़्यादा एम्पेथिक एम्पैथेटिक व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इनके राइटिंग स्टाइल को समझ पाए सो प्रेजेंटिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन ज़ुल्फिकर घोष इनकी बर्थ डेट देख लो बेटा ही इज बॉर्न ऑन मार्च ट्वेंटी थर्ड नाइनटीन थर्टी फाइव तो कब पैदा हुए थे ये मार्च ट्वेंटी थर्ड नाइनटीन थर्टी फाइव को इनका जो है जन्म हुआ है तो इनकी बर्थ डेट अच्छे से याद कर लेंगे डेट कहीं पे भी मेंशन नहीं है सो आई हैव इवन आई टू हैव नॉट मैंशन डेट ही इज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन नोवलिस्ट तो ये पाकिस्तानी अमेरिकन यानी कि इनका जो है ये हाइब्रिड थे पाकिस्तानी भी और अमेरिकन भी तो पाकिस्तानी अमेरिकन नोवलिस्ट रहे हैं ये प्रसंगकार रहे हैं पोएट एंड एसेस्ट यानी कि निबंधकार निबंध भी लिखते थे बहुत बड़े बड़े और कवि भी रहे हैं कविता तो पढ़ी पढ़ेंगे ही हम इनकी आज वाली ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ टेक्सास ये कहाँ रहते हैं बेसिकली इनका जन्म इनका रहन सहन है टेक्सास जो कि यूएसए में है बेटा His works are primarily magical. रियलिज्म ब्लेंडिंग फैंटेसी तो इनके जो काम होते हैं ना वो आपके लिए आई ओपनर होगा जो आप इनका राइटिंग स्टाइल के बारे में जैसे ही आप पढ़ोगे आपके आगे खुल जाएंगे कि यार ओतरी इस चीज़ को ऐसे भी तो सोचा जा सकता था ना ठीक है तो तभी मैंने बताया है कि वो टेक्सास में रहते हैं ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है बट अपार्ट फ्रॉम दैट दैट उनका जो काम है ना वो प्राइमरिली यानी कि मेजरली यानी कि मेनली मैजिकल रियलिज्म है रियलिज्म क्या होता है बेटा रियल बट नॉट ियल और वो बहुत मैजिकल होता है बहुत ही ज्यादा फेबल काइंड ऑफ स्टोरी आप बोल सकते हो आपको उसमें जो है फेबल टाइप uh, मिलेगा आपको उसमें ब्लेंडिंग फैटेसी फैंटेसी का मतलब होता है आपको बहुत सारी चीज़ें इमेजिनरी मिलेगी काल्पनिक मिलेगी विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ बट अगर हम उसको ए कॉइन हैज टू साइड्स ऑब्वियसली तो हम दूसरे पहलू से देखें तो वो सत्य भी हो सकता है ठीक है तो दो पॉइंट्स हैं इसमें दो पॉइंट्स याद रखना जुल्फिकर घोष जी का बर्थ डेट पाकिस्तानी अमेरिकन नोवलिस्ट हैं पाकिस्तानी अमेरिकन यानी कि पैदा हुए पाकिस्तान में अमेरिका में पले बड़े तो इसलिए वो टेक्सास रहते हैं अब वो पोइट भी रहे हैं ऐसे इस निबंधकार भी रहे हैं उनका जो काम है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रियलिज्म पे बेस्ड है जिसमें फैंटसी का भी थोड़ा थोड़ा मिश्रण मिक्स्ड है ठीक है तो ये है दैट दैट्स इट फॉर दैट्स दैट्स अबाउट जुलफ़िकर घोष तो ये हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया आगे चले चलते हैं जुल्फिकर घोष जी अब आपसे ये पूछते हैं ये बिफोर यू रीड पार्ट है बेटा विच यू डेफिनेटली नीड टू टेक अ नोट ऑफ यहाँ पे आएगा आपका बिफोर यू रीड यानी कि आगे पढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले बिफोर यू रीड बिफोर यू रीड क्या समझते हो आप आपसे कुछ सवाल आएंगे पूछने के लिए तो आपसे पूछा जा रहा है बेटा यहाँ पे। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम टेन थाउजेंड फ़ीट अब दी ग्राउंड आप थोड़ी सी भी कल्पना कर सकते हो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो शहर है आपका जो टाउन है आपका जो कस्बा है आपका जो बिग uh, सिटी है बड़ा शहर है या हाई राइज बिल्डिंग है इन जनरल अगर आप उसके टॉप फ्लोर पे एकदम अगर आप उसको टेन थाउजेंड फ़ीट ऊंचाई से देखोगे यानी कि किसी प्लेन के ऊपर से चढ़ के देखोगे तो वो आपका शहर कैसा लगेगा यार मैंने तो देखा है लिटरली ड्रोन से देखा है बहुत ही सरियल लगता है ऐसा तो लगता ही नहीं है कि इतना सुंदर है क्या हमारे सिटी है ना तो आपने कभी देखा है ऐसा कि कैसा लगता है तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स दे गॉट अ ड्रोन तो उन्होंने ना ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी एंड आई सॉ द दो शॉर्ट्स ड्रोन शॉर्ट्स तो मैंने देखा यार आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल सिटी जो मतलब बहुत छोटा सा टाउन कम सिटी है टाउन स्लैश सिटी राजस्थान में राजस्थान स्टेट में तो बट मेरे लोकेलिटी में आईव सीन अ लॉट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स ठीक है सोसाइटीज हैं बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो वो पूरा ऐसे सराउंडेड है एक पूरा मतलब एक ऐसा ही टाउन टाउन बना हुआ है जो बहुत ही कमर्शलाइज्ड है बट वैन आई लुकड एट इट फ्रॉम द ड्रोन शॉर्ट्स आई वॉज कम्प्लीटली लाइक आई वॉज़ कम्प्लीटली शुक इट वॉज सरियल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसका वो रियल व्यू है जब हम ऊपर से देखते हैं सो द सिटी लुक सो ब्यूटिफुल बट वहाँ पे छोटे 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 लगते हैं लोग कैरी केचर्स लगते हैं ऐसे लगता है कि कुछ भी रियल है ही नहीं ऐसे ऐसे छोटी छोटी कार्स लगती हैं ट्रैफिक जो वो जैम होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे छोटा छोटा सा लगता है सो ऑल ऑफ इट आर ऐसे लगता है मिनीचर्स हो गए हैं सब तो आपने कभी देखा है ऐसा अपने आसपास पास दस हज़ार फीट से ऊपर तो मतलब यार या तो प्लेन से देखा जा सकता है है ना हेलीकॉप्टर से देखा जा सकता है कोई भी एयर मोड फ्लाइट हो उससे देखा जा सकता है एंड ड्रोन शॉट से देखा जा सकता है तो यार हम कभी ऐसे नेटफ्लिक्स पे कोई शो या मूवी देखते हैं तो उसमें ना ड्रोन शॉट्स हमेशा दिखाते हैं सिटी का तो uh, आपने कभी देखा है तो इमेजिन करो कि वॉट वॉट योर सिटी एक्चुअली लुक्स लाइक बेसिकलीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अट्रिक डिजाइन क्या आपका सिटी कुछ ज्यादा ही नीट नहीं लगता दूर से ऐसा लगता यार? ये जिस टाउन में जिस शहर से मैं हूँ उसमें इतनी तो साफ सुथरा ये है नहीं जितना ये दूर से लग रहा है ऐसे लगता है कि किसी आर्किटेक्ट ने बहुत ही सिमेट्रिकली उसको डिज़ाइन करा है लाइंस बना बना के बहुत ही सुंदर लगता है एल शो यू जैसे अगर मैं सिटी को नीचे वाले व्यू से देखूँ सो इट लुक्स लाइक इट लाइक मोर और लेस ऐसे सामने से दिखेगा यहाँ पर मुझे बिल्डिंग्स दिख गई या मुझे हट्स दिख गए अगर मैं और ऐसे स्नोई एरिया में देख रही हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का व्यू दिख गया है ठीक है सन दिख गया है क्लाउड्स रेन अगर मैं थोड़ा और हाई राइज बिल्डिंग की तरफ देख लूँ तो मैं मुझे सामने से ग्राउंड लेवल पे तो मुझे ये सब कुछ दिखेगा थोड़ा सा क्लाउड पास दिख जाएगा अगर मैं किसी फ्लोर पे चढ़ के देख रही हूँ अगर मैं सी वाले रीजन पे हूँ सी कोस्ट एरिया पे हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो मो, मोटा मोटी मुझे ऐसा दिखता है बट अगर मैं किसी सिटी को एकदम टॉप व्यू से देखूँ तो सिटी ऐसा नहीं दिखता कितना सुंदर सा लगता है ना देखो यहाँ पे सब कुछ कितना प्रिसाइज कितना आर्टिकुलेट कितना सिमेट्रिकल है यहाँ एक राउंड है ठीक है राउंड अबाउट है यहाँ देखो ऐसे ऐसे लाइंस रोड कितनी फिनिशिंग लग रही है कितनी साफ सफाई और ऐसा लग रहा है इस रोड पे कोई गंदगी है ही नहीं मानो सब कोई क्लेंडलीनेस का पालन कर रहे हैं ऐसे ही लग रहा है ये देखो ब्रिज हाउ नीटली इट इज ब्रिजिंग ओवर द गैप है ना और ये सब कुछ मुझे बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है यार ऐसा ही व्यू लगता है जब हम ड्रोन शॉट से या फिर ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो आपने कभी देखा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ए एस ए पी जल्दी से बताओ यार आ, देखते हैं आप मुझसे रिलेट कर पाते हो यानी या फिर आपको दूर से भी उतनी गंदगी दिखती है जितनी पास से दिखती है मतलब आपका शहर इतना ही ज़्यादा मैसी है कि सब कुछ एक जैसे ही लगता है पर कितना ही मैसी क्यों ना हो यार दूर से तो नहीं दिख सकता मैं नहीं मानती क्योंकि ऊपर ऐसे एयर इतना प्यारे तरीके से दिखाती है इस नेचर को इस व्यू को तो कोई मान ही नहीं सकता कि ये इतना गंदा भी दिख सकता है पास जाके देखो तो ये वही कहावत हो गई है दूर से देखा तो कुछ और ही था पास जाके देखा तो <laughs> कुछ और ही था राइट तो ये हमने नोटिस किया है नाव neatly planned and perfect in proportion like a geometric design ऐसे बहुत ही ज़्यादा geometric design लगता है ना trapezium अच्छे से बना हुआ है, parallelogram अच्छे से बना है, rectangle, square कोई भी shapes आप देख लो बहुत ही ज़्यादा geometric लगता है, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it यानी कि जब आप उसके बीचों बीच होते हो, मोटा मोटी मतलब गौर से देख रहे होते हो इंसान को ही देख लो उसके जो फ्लॉज हैं जब तक हम उसको करीब से जानते नहीं हैं तब से तब तक हमें कोई भी ह्यूमन जो है फ्लॉड लगता ही नहीं है सब कोई फ्लॉलेस लगता है हम किसी इंसान को दूर से देखें उसकी एक्नी प्रोन स्किन भी हमें बहुत ही क्लियर दिखती है है ना वो बहुत ही फ्लॉलेस स्किन लगती है हमें उसकी हमें उसका जो है साइज भी प्रोपोर्शनेट भी समझ में नहीं आता है दो अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव अपियरेंस इज़ डिसेप्टिव इट स्टिल इज बट मैं आपको uh, एक व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि हमारे घोष uh, जी कहना चाह रहे हैं कि दूर से देखा तो कुछ और ही सिटी का व्यू है पास जाके देखा तो कितनी ज़्यादा गंदगी मचा रखी है लोगों ने है ना, सो इट्स लाइक अ डिज़ास्टर टू सी टू कॉन्ट्रोडिक्ट्री फीचर्स और टू two contrasting टू कंट्रास्टिंग पिक्टोरियल an ओवरव्यू ऑफ सिटी ऑफ अ सिटी ठीक है तो उन्होंने ये चीज़ों से डिपेक्ट करके बताया है तो आप भी सोच सकते हो इससे पहले अभी तक यही लगता था कि क्या ही थाट्स हो सकते हैं कि मतलब घोष जी को बोलते हैं ना कि यार वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रियालिज्म पे मैजिकल रियालिज्म होता है तो क्या ही हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा था कि यार क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा है ना कोई चांसेस तो है नहीं कुछ और होने के तो यही चीज़ें जो है फील हो रही थी क्या आप उस बात से रिलेट करते हो जस्ट लेट मी नो एस ए पी ठीक है तो जब हम उसके थिक में जाके देखते हैं क्लोजली जब हम उसे देखते हैं तो हमें हर एक चीज़ में फ्लॉज दिखते ही दिखते हैं क्लोजली क्लोजर व्यू में सब काया पलट जाती है बहुत नीट बहुत परफेक्शन वैसे लगता है ठीक है तो ये मैंने आपको दोनों व्यूज़ दिखा दिए हैं दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था लाइक पास से देखा तो ऐसा लग रहा था इतना भी कोई साफ सुथरा नहीं दिख रहा यार यहाँ पे मुझे तो काफ़ी केयटिक लग रहा है और दूर से देखा तो ओहो वेल प्लान मैनेज सिस्टमैटिक सब कुछ मस्त एकदम है ना तो यही डिफरेंस होता है

यू हैव टू बी प्रेब्ड विद ऑल ऑफ द सोल्यूशन दैट ही आस्क यू फॉर तो आपके पास इनके पास जो भी क्वेश्चन है ना आपको उसका आंसर देना है तभी दे पाओगे जब आप मैम की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे ठीक है तो ये हियर इज योर चांस ऑफ लर्निंग दिस टॉपिक इस एक ही घंटे में अंडर दिस वन आवर बट द ओनली थिंग प्रोवाइडेड दैट यू शुड बी ऑल यूर्स टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रास्प एवरी थिंग राइट चलो जी देखते हैं भाई आप लोग कितना ध्यान देते हो अभी मैम की बात को अर्ज किया है शुरुआत करते हैं अब हम पहली लाइन है बेटा ध्यान से देखना इसमें सो द फर्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ अभी पहला दो पेजेस में आपको दिखेगा तो पहले पेज में यहाँ पे बोला है पूछा है वेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई जेट क्या है एयरप्लेन ये देखो जैसे ही जेट ऊपर जाता है छोटा सा जेट भी लगा सकते हैं इसमें नीचे का ओवरव्यू देख रहे हैं बस हम ये देखो क्लाउड से भरा हुआ है थोड़ा सा नीचे की हाइट पे होता है ये आके देखता तो इसको सब दिखता इट वॉज क्लियर वाई द सिटी ऐसे लग रहा है ये शहर इतना क्लियर क्यों है इतना साफ सुथरा कैसे कैसे हो गया भाई इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हार्ड डेवलप द वे इट हार्ड ये शहर ऐसा क्यों लग रहा है जैसा इसको नहीं लगना चाहिए है ना सींग इट स्केल्ड सिक्स इंचज टू द माइल ऐसे लग रहा है एक मील पे छः इंच और बढ़ गया है ये जितना बढ़ता जा रहा है उतना साफ सुथरा लगता जा रहा है अच्छा वो सब छोड़ो आप ये देखो यार कोई जब जना स्काई डाइविंग करता है तो हमने उसका व्यू तो देखा है स्काई डाइविंग की बहुत सारे रील्स देखी होंगी बहुत सारी फोटोज देखी होंगी सो so नॉट ओनली दैट जब स्काई डाइविंग करते हैं या कभी किया होगा खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यार तब तो जब ऊपर से इतने बहुत सारे फ़ीट ऊंचे होते हैं ना वो टेन थाउजेंड से भी ऊपर होगा ब्रिटिश और sure. तो फिर वहाँ से जब वो कूदते हैं तो, तो भी ऐसी ही लगती है बिल्डिंग जैसे मैंने आपको दिखाई दूर से जो सिटी है दूर से पूरा जो स्टेट है वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है बहुत ही ज़्यादा नीट नीट वेल प्लान्ड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज हर चीज़ उसमें प्यारी सी लगती है दूर से देखते हैं तो है ना तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं बेटा जैसे ही जेट जेट ने स्प्रैंग करा यानी कि टुक ऑफ उड़ान भरी हिंदी में भी बता देते हैं आपको टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरी जैसे ही जेट ने उड़ान भरी स्काई में यानी कि टेक ऑफ वेन द जेट एज सुन एज द जेट टुक ऑफ इट्स फ्लाइट इट वॉज क्लियर वाई द सिटी है डेवलप्ड वे इट हैड मतलब ये शहर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कभी था या नहीं था समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी समथिंग इज वियर्ड समथिंग ठीक है समथिंग इज फिशी समथिंग इज फिशी किसके बारे में अबाउट द सिटी something is fishy about the city. City के बारे में कुछ तो fishy है कुछ तो अजीब है क्या है वो अजीब Seeing it scaled up six inches to the mile, यानी कि छ इंच mile माइल से भी मीलों दूर छः इंच ऊपर जब हम शहर को देख रहे हैं इतनी ऊंचाई से एट अ वेरी लार्ज हाइट स्केल्ड स्केल्ड मतलब होता है अप अबव अप एंड अबव यानी कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है वो छः इंच मीलों से भी ऊपर यानी कि टॉप व्यू कहना चाह रहा है ये शहर के बारे में कुछ तो स्ट्रेंज लग रहा है कुछ तो अजीब लग रहा है, है ना क्या अजीब है वो देखते हैं अजीब ये है बेटा कि ये देखो जो हमने ऊपर देखा यहाँ पे क्लाउड आ गए बीच में एयर आ गई बीच में सो वॉट आर द डिस्टर्बेंस वट आर द टर्ब्युलेंसेज दैट आर आईज माइट हैव सीन या फिर माइट हैव एनकाउंटर्ड वाइल हैविंग द व्यू ऑफ वाइल हैविंग द टॉप व्यू फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द अबव फ्रॉम द टॉप बेसिकली तो क्या क्या हिंड होंगे आपके हिसाब से क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होंगे आ, क्या क्या हर्डल्स होंगे वाइल हैविंग अ व्यू वो जो हम ओवर ओवर लुक कर रहे हैं ओवर व्यू ले रहे हैं उससे क्या क्या डिस्टर्बेंसेज आ रही होंगी हमारे आँख के बीच में और शहर के बीच में सो इट कुड बी एयर ऑब्वियसली एयर जो है बहुत ही मैक्सिमम रोल प्ले कर रही है जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते रहते हैं एयर कुछ ज़्यादा ही साफ़ सुथरी होती जाती है आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न आप सारे केमिस्ट्री वाले पहचान सकते हो उसमें कि लो प्रेशर होता है लो टेम्परेचर होता है ठीक है एयर कुछ ज़्यादा ही क्लियर होती है तो एयर की वजह से फिल्टरेशन ज़्यादा ही हो जाती है देन कम्स क्लाउड्स फॉगिनेस फॉगिनेस से थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है इसलिए हमारा जो विजन है ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है तो फॉग आ जाती है या मिस्ट आ जाती है कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो आ, आ जाता है ठीक है मॉइस्ट देन वाट एल्स कम्स इन टू प्ले आई गेस क्लाउड्स तो ये क्लाउड का ही पार्ट हो जाएंगे बेसिकली क्लाउड आ जाते हैं बीच में फिर क्या आ जाता है जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो फिर यार अगर हम जेट प्लेन्स देख रहे हैं तो मिरर uh, आ जाता है अपनी आँखों से तो कौन ही देखता होगा ना ऊपर आप हाइट पे हो स्काई डाइविंग भी कर रहे हो तो आपने गॉगल्स पहने हुए हैं तो ग्लास आ जाएगा बीच में जिसकी वजह से आपके मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो सकते हैं है ना और और क्या आता है बस यही आता है एक तो या तो वाटर मिस्ट मॉइस्ट सब एक ही में आ गया एयर आ गई गैस फॉर्म में एंड देन कम्स ग्लास ग्लास कम कम्स इन टू प्ले तो ये सारी चीज़ें ना बीच में बाधा बन के आ जाती है इस वजह से जो शहर का व्यू है वो ब्लर दिखने लग जाता है इस वजह से कोई भी चीज क्लियरली नहीं दिखाई देती है बट उल्टा साफ सुथरी और दिखने लग जाती है सब कुछ वेल well प्लान जरूर दिखने लग जाते क्योंकि रोड्स बनाई है शहरों में जिसकी वजह से सब कुछ साफ सुथरा दिखता है ठीक so so है चलो आई थिंक बाय गुड वी आर है ना थिंग्स आर क्लियर क्रिस्टल क्लियर राधो नेक्स्ट अभी फर्स्ट ही पैराग्राफ है बेटा उसके बाद ही हम राइमिंग स्कीम डिस्कस करेंगे ठीक है तो फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से डन डन आडन डन कर लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा और क्या होगा यहाँ बोला है दे सीम्ड एन इन एविटेबिलिटी एविटिबिलिटी यानी कि जिसको कोई रोक नहीं सकता दैट के नॉट बी अवॉइड दैट इज समथिंग हैज टू हैपन विल हैपन यानी कि फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस डेथ इज इन एविटिबल जब डेथ किसी को आनी है तो वो आनी ही है उसको फिर मौत को कोई नहीं रोक सकता उसके कुएँ से कोई किसी को नहीं निकाल सकता तो यहाँ पे बोला बेटा दे सीम्ड एंड इन एविटेबिलिटी वहाँ देखी गई है एक इन एविटेबिलिटी यानी कि द थिंग दैट केन नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड है लुक दैफेजार्ट यानी कि क्या चीज़ ग्राउंड पे क्या चीज़ धरती पे जो है है हाफ हाफ लग रही हैजार्ट मतलब विदाउट प्लान एंड ऑर्डर यानी कि कुछ डिजास्टर्स लग रही है कुछ हजारियस लग रही है कुछ ज़्यादा ही विचित्र कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही है अन प्लान एंड विदाउट स्टाइल जब हम नीचे आके देखते हैं तो ऐसे लगता है ये रोड किसने बना दी है ना ये ये जो स्ट्रक्चर है पूरे घर का स्ट्रक्चर किसने बना दिया ये सब कुछ कितना मिसमैनेजड है कितना डिसऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइजड है आई डोंट लाइक इट एट ऑल उस टाइम पे तो यू थिंक लाइक दैट यू थिंक सम वॉट लाइक इट बट देन वैन यू हैन यू आर हैविंग अ टॉप व्यू ऑफ योर ओन सिटी और ऑफ योर ओन रीजन तब सोचते हो यार ये तो उल्टा ही हो गया है ना सो दे सीम्ड एंड इन एवेटेबिलिटी उस टाइम पे तो लगता है यार ये रोड बदल भी नहीं सकते ये सालों साल कुछ नहीं हो सकता इसका बट जो भी ग्राउंड पे चल रहा है ना वो सब कुछ हैफिजार्ड है यानी कि विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ बुलेट प्रूफ प्लान है ही नहीं इनके पास ऑल्सो अनप्लान लगता है बिना किसी स्टाइल के लगता है कोई फॉन्ट नहीं कोई स्टाइल नहीं वेन द जेट स्प्रांग इन टू द स्काई बट जैसे ही जेट ऊपर उड़ान भरता है स्काई में सो so, ऐसे लगता है सीम्स लाइक द टेबल्स ऑफ टर्न नाउ द नेचर हैज़ शोन इट्स रियालिटी इट्स रियल ब्यूटी एंड इट 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 इज़ अ मोमेंट बेसिकली सो नाउ इज़ द टाइम फॉर द नेचर टू शो इट्स वो अपना सैस शो कर रहा है वो दिखा रही है नेचर कि यार हमें हम बहुत ताकत है हम बदसूरत से बदसूरत चीज़ को सुंदर बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है इफ़ समबडी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लुक्स सो व्हाट डू दे डू दे बेसिकली यूज़ फिल्टर्स ऑन सेवरल सोशल मीडिया और दे ट्राई समथिंग एल्स दे तो फिर उसको हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए जस्ट सो वी हैव एंड वी हैव अ सर्टेन इमेज ऑफ आर सेल्फ्स इन समबडी एल्स इन सामबडी एल्स पिक्चर हम उसको गेन करने का ट्राई कर लेते हैं तो नेचर ने भी यही किया अपनी ब्यूटी से ढक दिया पूरा जो केजस केआटिक सिटी है केटटिक रीजन है उसको सुंदर बना दिया अर्थ तो भी तो देखो जब उसका वो एस्ट्रो के हिसाब से स्ट्रक्चर और उसका पूरा व्यू देखते हैं तो वो कितनी ब्लू दिखती है ऐसे लगता है पानी ही पानी सो मच ब्लू ठीक है देर इज़ उसके बाद कितनी ग्रीनरी लगती है बट ऐसा है क्या सीइंग द कंडीशन अराउंड हमें तो रोड ज़्यादा दिखती हैं अर्थ से ग्रे अर्थ में ग्रे काला क्यों नहीं दिखता दूर से नहीं दिखता वही नहीं दिखता ठीक है तो यहाँ पे यही बोला गया है बेटा कि there seemed an inevitability, कि सीम्ड यानी एक inevitability लगती है किसके बारे में कि क्या ग्राउंड पे हाफिजार हो सकता है अन बिना किसी स्टाइल के बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे ही जेट ने उड़ान भरी स्काई में तो उसने यही बोला कि यार ये तो कुछ काया ही पलट गई और नीचे जाके देखा तो बहुत मतलब ऐसी चीज है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसको बस एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बट दूर से देखा तो बहुत मस्त कितना प्यारा व्यू है सब झूठ है ठीक है ये सब छलावा है ऐसा हमारे घोष साहब कहना चाह रहे हैं सो ट्राई टू एंड अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू की दैट वाई इज ही सो बेसिकली चलो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पेज जस्ट सो वी कैन अ लुक ऑफ इट्स राइमिंग स्कीम राइमिंग स्कीम देखते हैं बेटा चलो पॉइंट ही देखते हैं आप पहला वर्ड देखो स्काय सॉरी oh पहली लाइन का लास्ट वर्ड देखो स्काय सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड देखो सिटी स्काय और सिटी बिल्कुल भी कहीं से भी राइम नहीं कर रहे हैं तो ए बी हो जाएगा क्या हो जाएगा ए बी तो हम इसकी राइमिंग सीम बनाते हैं ए बी फिर आ जाता है बेटा हैड स्काय सिटी हैड हैड भी अलग हो जाएगा इन दोनों से तो सी आ जाएगा फिर माइल आ जाएगा तो स्काई और माइल मैच कर रहा है तो हमने बना दिया ए बी सी ए फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट पेज देखते हैं इन एविटेबिलिटी इन एविटेबिलिटी किससे मैच कर रहा है देखना सिटी से मैच कर रहा है तो यहां पे बी आ गया फिर देखते हैं दोबारा से फिफ्थ सिक्स लाइन में लिखा है किससे मैच कर रहा है बैक टू द फर्स्ट पेज अगेन और हैड मैच कर रहा है तो ये हो गया सी सो ए बी सी ए बी सी वुड बी आर राइमिंग स्कीम आर बट एक और लाइन बची है वो क्या कहता है ए बी सी ए बी सी हाँ दो लाइन और है अनप्लान एंड विदाउट अ स्टाइल वेन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई किससे मैच कर रहा है स्काई तो चलो ठीक है यहाँ पे आ गया स्टाइल माइल माइल से मैच कर रहा है, है ना बेटा तो हमने क्या क्या लिया था स्काई हैड माइल ओके ए बी सी डी माइल को हम डी लगा देते हैं फिर सो ए बी सी डी ए बी सी डी स्काई और माइल को अलग कर लेते हैं फिर ए नहीं, नहीं नहीं रुको इन एविटेबिलिटी किससे मैच कर रहा है ये सिटी से मैच कर रहा है स्काई और माइल एक ही होएगा, सो so, ए बी सी और फिर आ जाता है अपना दोबारा से चलो फिर आ जाता है अपना स्टाइल और स्काई स्टाइल और स्काई, स्टाइल माइल से मैच कर रहा था जो कि ए है फिर ए ठीक है तो यहाँ पे यही बोला बेटा ए बी सी ए बी सी ए यही यही चल रही है हमारी राइमिंग स्कीम लेट्स जस्ट डिस्कस इट अगेन जैसे ही जेट ने उड़ान भरी स्काई में ऐसा क्लियरली दिख रहा था कि क्यों सिटी जो है उस चीज़ में बढ़ता हुआ जा रहा है डेवलप हो रहा है इतना क्यों सिविलाइज हो गया है जितना वो हुआ था जैसे ही स्केल ऊपर करके देखा यानी कि उड़ान भरी और इतनी ऊंचाई से देखा मीलों दूर से ऐसे लग रहा था कि इसकी बदलने की कोई चांस नहीं है इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि ग्राउंड में कितना कुछ केयटिक है कितना कुछ हैफिजार्ड है जो कि हमें दिख भी नहीं रहा ऊपर से ऐसे सब कुछ अनप्लान बिना किसी स्टाइल के लगता है जैसे ही जेट उड़ान भरता है तो ऐसे लगता है यार इतना सुंदर ये तो सब फेक है यार आई डोंट लाइक इट एनी मोर इतना फेक नहीं होना चाहिए यार दुनिया को इतनी ब्यूटी भी नहीं चाहिए हमको ऐसा हमारे घोष साहब जी सोच रहे हैं ट्रू क्लियर फर्स्ट पैराग्राफ के दो पेज हमने डन कर लिए देन खम्स वॉट फिर आ जाता है बेटा आपका सेकेंड ध्यान से देखना पैराग्राफ में बोला है आपको द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट जैसे ही जेट गया ऊपर दस हजार फीट की ऊंचाई पर इट वॉज क्लियर वेन द कंट्री क्लियर हो गया था जब कंट्री वाई द कंट्री क्यों देश जो है हैड सिटीज द रिवर्स रैन कंट्रीज हमारे देशों के पास क्यों सिटीज़ है शहर हैं जिसमें रिवर्स बहती है नदियां बहती हैं एंड वाई द वैलीज वो पॉपुलेटेड और क्यों नदी के पास वाला जो रीजन है यानी कि घाटियां पॉपुलेटेड रहती है लोगों की संख्याओं से भरी रहती है देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मैंने आपको एक वैली का व्यू दिखाया है एक रिवर फ्लो करती हुई दिखाई है ठीक है इसका पानी जो है इट इज़ फ्लोइंग देर ठीक है तो इसके आसपास के जो जितने भी इलाके हैं रीजन है वहाँ पे लोग बसने लग गए तो पहले लोग ना नेचुरल रिसोर्स के पास ही जा बस जाते थे ताकि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को अपना आसानी से पूरा कर सकें कैसे अगर पानी है तो पत्थरों से बना हुआ है तो रॉक से वो खाना बना सकते थे जितने भी हमारे आदि मानव थे उस ज़माने के उसके बाद उनके पानी से सारा काम हो रहा था शेल्टर वो नेचर से बना ही लेते थे तो मोरल एसन का सारा काम हो जाता था तो अब बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ बेसिकली बोला है कि आ, जैसे ही जेट ऊपर पहुँचा दस हज़ार के फीट पर क्लियर हो गया कि क्यों कंट्री में सिटीज़ हैं जिनके पास रिवर्स होती हैं क्योंकि पानी पर हर कोई डिपेंडेंट है और क्यों घाटियों में क्यों वैलीज़ जो है इतनी पॉपुलेटेड होती हैं लोगों से ठीक है पॉपुलेटेड बाय पीपल तो यानी कि ये है घाटी घाटी इतनी ज़्यादा क्यों है पॉपुलर इसके बारे में भी हमको चलता है पता ठीक है तो सेकेंड पैराग्राफ में पे यही बोला कि जब भी जेट पहुँचता है दस हज़ार की दूरी पर दस हज़ार की फीट ऊंचे पर ऊंचाई पर तो हमने क्या देखा इट वॉज़ क्लियर साफ़ हो गया था एकदम कि क्यों कंट्री जो है उसके पास होते हैं शहर क्यों रिवर्स जो हैं दौड़ती हैं क्यों वैलीज़ जो हैं पॉपुलेटेड रहती हैं लोगों से भरी हुई रहती हैं लोगों से घिरी रहती हैं सो so, पॉपुलेशन का मतलब तो पता ही होगा जनसंख्या वहाँ पे क्यों ज़्यादा रहती है सो so, पॉप्यूलेटेड मतलब जनसंख्या से भरी ऐसा क्या होता है ये हमको बताने का है ओके बैचा बारी तो यहाँ पे क्या बोला है कि जेट जो है जैसे ही दस हज़ार फीट ऊपर जाता है तो क्लियर हो जाता है क्यों सिटीज़ के पास रिवर्स होती हैं ऐसे देशों में सिटीज़ हैं उन्होंने फिर रिवर्स बना लिए है क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ की ज़्यादा ज़रूरत है अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए और क्यों ये रिवर्स वाले जो एरिया हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हाईली पॉपुलेटेड होते हैं एक और जियोग्रफ़ी लेसन इसलिए इसका नाम है भूगोल शास्त्र का लेसन क्योंकि आपको नेचर के हर एक रिसोर्स के बारे में डिस्कस कराया जा रहा है बताया जा रहा है राइट right? चलो आगे बोला है बेटा देखना ध्यान से आगे बोला है कि द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी जो लॉजिक है जियोग्राफी का क्या क्या है लॉजिक्स में लॉजिक मतलब जो सिस्टम है जो प्लान है जियोग्राफी का द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन जमीन ने और पानी ने मानव को किया अट्रैक्ट आकर्षित किया देखो ये पूरा लैंड है जिसमें हमें ब्लू, ब्लू 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 पूरा दिखता है तो यहाँ पे बाकी सारी जगह पे लैंड है इन सारी जगह पे वाटर है वाटर माने सीज एंड ओशन है बड़े बड़े अमाउंट में वाटर है सेवेंटी परसेंट वाटर से घिरा हुआ है घिरी घिरी हुई है ना हमारी और तो उसमें ये बोला गया है कि कैसे लैंड और वाटर जो है आपस में मिलते हैं और मनुष्य को क्यों थी, क्यों इतनी ज़रूरत है ज्योग्राफी में जो सिस्टम बना है क्यों है इतना इम्पोर्टेंट क्यों हम लोग अट्रैक्टेड रहते हैं इन सारी चीज़ों से क्यों हमें बीच बहुत पसंद है क्यों हमें जो है ये वाटर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है वॉज क्लियरली uh, delineated यानी कि delineated मतलब शोन दिखाया जाता है वेन द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट जैसे ही जेट पहुँचता है दस हज़ार फीट के ऊपर delineated का मतलब होता है शोन वॉज क्लियरली delineated यानी कि क्लियरली दिखाया जाता है क्लियरली साफ साफ पता चल रहा है इस अर्थ में देखो हमारा जो स्टार्ट्स है वो खुद बताता है डेटा खुद बताता है कि सेवेंटी परसेंट जो है वाटर का है इट इज़ कवर्ड विद एच टू ओ ठीक है रेस्ट थर्टी परसेंट पे लैंड है तो हम जो ह्यूमंस है वो वाटर और लैंड दोनों से ही अट्रैक्टेड रहते हैं हम मैन मेड का, का काम यहीं पर ही होना है सारा का सारा ठीक है हम इन एरिया से आकर्षित रहते हैं तो जिन कंट्रीज़ में ऐसे सिटीज़ हो जिसमें वाटर ज़्यादा हो यानी कि रिवर्स ज़्यादा हो वो हमेशा अट्रैक्ट करके रखते हैं लोगों को मैन उनके पास रहता है सो एवरी थिंग इज़ क्लियर नाउ, मतलब एवरी थिंग इज डेलीटेड नाउ, राइट तो यहाँ पे इन्होंने बताया लॉजिक ज़ोग्राफी का जियोग्रफी का इसलिए हमने भूगोल शास्त्र पढ़ा है जी ओके okay. आई वॉज लुकिंग फॉर माई पॉइंट ही श्योर इट इज तो बेटा हम इसी के साथ साथ जो है एक फटाफट से इसकी राइमिंग स्कीम भी डिस्कस कर लेते हैं ठीक है डन है कूल है सॉर्टेड है सेकेंड पैराग्राफ आई राइट इट श्योर यहाँ पे बोला है जो सिस्टम है जियोग्राफी का जो प्लान बना हुआ है प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है जियोग्राफी में लैंड हो चाहे वाटर हो चाहे नेचर हो चाहे ट्रीज हो चाहे सॉइल हो चाहे क्लाउड्स हो चाहे रेन हो कुछ भी एनी सब कुछ क्लियरली विजिबल है दिखाए गए हैं जैसे ही जेट ऊपर पहुंचता है सब कुछ दिखता है हमें कि पानी कहाँ पे है लैंड कहाँ पे है सब कुछ दिख रहा है लोग कहाँ पर हैं लोग जो हैं रिसोर्सेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं ठीक है सो पीपल आर मोर अट्रैक्टेड चिपके हुए रहते हैं एकदम ठीक है। हैसेस प्रोन एरिया के पास लोग ज्यादा रहते हैं अटैच ज्यादा रहते हैं अट्रैक्टेड ओके ठीक है फूल cool है तो यहाँ पे ये चीज इनको क्लियर हो गई है क्विकली फटाफट इसकी टाइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार बेटा यहां पे बोला है जियोग्राफी द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी तो जियोग्राफी को मैं ए मान लू मान लेते हैं ओके पेन ढूंढ लेते हैं पहले नाउ जियोग्राफी को मान लिया मैंने ए सेकेंड पैरा में दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन जियोग्राफी और मैन अलग अलग हैं बी हो गया डेलिनीटेड सी हो गया अलग फीट डेलीटेड फीट ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा डी आ गया ये तो है ना ओके okay, यहां से भी है बेटा ये वाला पार्ट भी आएगा इसमें when द जेट रीच टेन थाउजेंड फीट फीट आ जाएगा बेटा देखो ए कंट्री बी रैन क्या आ जाएगा सी पॉप्यूलेटेड अगेन ए फिर आ जाएगा कंट्री के कंट्री से मिलता जुलता क्या है जियोग्रफी तो आ जाएगा बी बताओ 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 वी क्लियर ठीक है फिर आ जाएगा मैन सी डेलीनिएटेड और फीट डेलीनिएटेड फीट की तरह ही हो जाएगा और फीट ए ए सो ए बी सी ए वुड बी आर राइमिंग स्कीम बचाबाटी ए की तरह से ई e, साउंड e कर रहा है ठीक है तो फिर से हमने राइमिंग स्कीम निकाली अपने सेक्शन टू की पार्ट टू की तो हमें यहाँ से ये ये चीजें पता चल गई अर्थ के बारे में भी शैल वी मूव टू दर्ड पोर्शन थर्ड पार्ट है इसका और फिर समराइज कर देंगे एंड देन आर टॉपिक इज ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट गुड टू गो विद नेक्स्ट वन ये हो जाएगा चलो थर्ड टॉपिक इतना कह ही रहे हो तो बस ठीक है only insist. Third part कह रहे है when the jet rose six miles high, जैसे ही जेट बढ़ा मील अर्थ वाज राउंड हमें ये तो पता चल गया था कि अर्थ जो है राउंड एंड राउंड एंड राउंड है गोल 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 है एंड दैट इट हमें ये भी पता चल गया कि पानी ज्यादा है लैंड से सीज ज्यादा है सीज एंड ओशन्स ठीक है वाटर इज मच मोर सेवेंटी परसेंट बट सलाइन वाटर है तो कंज्यूमेबल नहीं है बिल्कुल भी पानी तो बहुत है अपने पास बस इसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है है ना अभी तक जो चल रहा है वो रिसाइकल ही हो रहा है तो वाटर इज अलॉट मोर देन लैंड इस धरती पे कहा जाता है ना सत्तर प्रतिशत पानी है सेवेंटी परसेंट ऑफ़ आर लैंड इज़ फिल्ड ऑफ आर अर्थ इज़ फिल्ड विद वाटर तो ओमनियनट है ये ओमनी प्रेजेंट है बेसिकली तो so, ये जो एमिनेंट वाटर है इसकी वैल्यू वैल्यूलि क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है सेवेंटी परसेंट है कंज्यूमेबल नहीं है ऑल दो तो जेट जैसे ऊंचा हुआ तो पता चल गया था पानी ज़्यादा दिख रहा है लैंड से लैंड कम दिख रही है पानी बहुत ज़्यादा जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाते हैं तो सात समुंदर पार करके जाते हैं ऐसे कहा जा जाता है ना दैट इज़ हाउ नाव ये बोला गया है एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड बहुत सारा समुद्र है लैंड के कम्पेरिजन में बट इट वीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट उसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल है अंडरस्टैंड करना इज रियली टफ रियली वेरी मुश्किल है ना तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा हाई हाई राउंड हाई हो जाएगा ए राउंड हो जाएगा बी अब इसे क्लियर कर लेते हैं है ना लैंड हो जाएगा सी अंडरस्टैंड लैंड और अंडरस्टैंड ये तो इससे मैच कर रहा है सी सी ए बी सी सी हो रहा है ये तो है ना चलो कोई बात नहीं तो हमें ये पता चला कि जैसे ही जेट उठा मीलो हाई ऊंचा राउंड एंड राउंड ऐसे पता चल गया था कि अर्थ इज राउंड अर्थ इज़ राउंड ये देखो अर्थ राउंड है ये पता चल गया था फिर ये भी पता चला कि लैंड का जो एरिया है ना वो बड़ा कम है तो ये वाली जो हमें लैंड दिखती है ना हमेशा इसका एरिया बहुत कम है बच्चा लैंड का एरिया इज मच 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 लेसर दैन वाटर एरिया तभी देखो ये पूरी धरती हमें ब्लू दिख रही है ना धरती इज राउंड मदर अर्थ एंड इज़ फिल्ड विद वाटर ही तो ब्लू है ठीक है चलो तो ये चीज़ हो गई फिर क्या बोला बेटा बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लेकिन ये पहचानना बड़ा मुश्किल था तो ए बी सी सी हो गया अभी तक ये समझना बड़ा मुश्किल था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कि जो मैन जो मनुष्य है धरती पे उन्होंने पाया है कॉजेज टू हेट ईच आदो आपस में नफरतता सिविलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन uh, की वजह से वॉर्स की वजह से तो ये सब मित्रता तो नहीं रही है शत्रुता बढ़ी है कॉजेज टू हेट ईच आदो यानी कि मैन मेड चीज़ें ही है ये एनविनेस हेट रेड यू नो कम्पेरिजन जेलसी एनिमिटी ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ मैन uh, मेड ही है सब कुछ मैन ने बनाया है मैन हैव क्रिएटेड इट एंड नॉट द नेचर टू बिल्ड अक्रॉस टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल ऐसे सारी इमारतें बना देना सिटीज़ के बीच में इंटर सिटीज़ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अफग़ानिस्तान ईरान सब कुछ एक ही होना था क्योंकि सब जगह सारी चीज़ें वही प्रेजेंट है लेकिन मैन ने चूज़ किया इनमें बाउंड्रीज़ बनाना हेट्रेड क्रिएट करना एक दूसरे को कौन कौन क्व करना एक दूसरे के ऊपर पराज परा मतलब वो फ़ील करना एक दूसरे को लेट uh, डाउन करना बॉक डाउन फील कराना तो ये सारी चीज़ें एंड टू किल और मारना टेररिज्म के थ्रू या किसी भी और रॉन्ग uh, मीन्स के थ्रू फ्राम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई तो वो ये बोलते हैं यार इतनी ऊँचाई से मतलब बहुत मैजिकल है इनकी जो स्टोरी है इनकी जो पोम है विच आई पर्सनली फेल्ट कि उस हाइट से पता नहीं चला कि क्यों है ये तो so, वो ये बोलते हैं कि पास दूर से देखा तो कितनी अमन और शांति दिखती है इतना सिस्टमेटिक ऑर्डर दिखता है ऐसे लगता है लॉ एंड ऑर्डर है कोई जाम नहीं कोई ट्रैफिक नहीं सब कुछ शांति पीस का सिम्बल लगता है हमारी ओ, हमारी जो लैंड है वॉटर इतना कामिंग इतना सूदिंग लगता है बट जब हम पास जाके देखते हैं तो देखो ये मैन मेड थे चीज़ें ही हैं जो इतनी हेटरेड इतनी नफरतता बनाई इतनी शत्रुता क्रिएट करी एनविनेस सब कुछ मैन मेड है जेलेसी भी मैन मेड है सो ये जो वॉल्स बनाए हैं सिटीज़ और कंट्रीज़ के बीचों बीच और ये जितने भी डिस्पैरिटीज है ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है किसी के भी बेसिस पे ये सब मैन मेड है तो ये नेचर ने नहीं बनाए हैं एक दूसरे को मारना भी लोगों ने ही खुद ने सोचा है बिकॉज लाइफ नेचर इज वेरी अनसर्टेन है ना बट उस साइड से ये नहीं दिखता कि क्यों है ऐसा इतनी हेटर इतनी एनविनाइज क्यों वाई कॉन्ट वी ऑल बी जस्ट फ्रेंड्स एट वन टाइम हमारे लिए सर्वाइवल इंस्टिंग क्यों नहीं है Animals भी एक दूसरे को मार देते हैं यार अपने सर्वाइवल के लिए तो हम क्यों हैं हीस टू अंडरस्टैंड सो दैट्स वॉट दिस चैप्टर दिस पोम वॉज ऑल अबाउट बेटा चलो इसकी राइमिंग्स की लास्ट वाले पैराग्राफ की रह गई ना फाउंड बिल्ड के साथ याद रखना फाउंड बिल्ड केल एंड वाई लास्ट वर्ड है सबके सो फाउंड बिल्ड केल एंड वाई फाउंड राउंड से मै मिल रहा है तो बी आ जाएगा ये बिल्ड बिल्ड एंड केल एक सेकेंड बिल्ड केल एंड वाई ओके बिल्ड तो इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा केल एंड वाई हाई एंड वाई ए या गया सो ए बी सी सी बी सी सी एके सो दिस पैराग्राफ हैज़ वेरी अनयूजअल ड्राइविंग स्कीम जो हमने ऐसे ही पहचान लिया कि लेट दिस इक्वेशन बी ए अभी से कुछ मैच नहीं कर रहा सो लेट दिस इक्वेशन बी बी राउंड फिर उसके बाद लेट दिस इक्वेशन बी सी क्योंकि लैंड से भी मैच नहीं करा बट लैंड और अंडरस्टैंड मैच कर रहा है तो सी सी ठीक है फिर हमने देखा uh, उधर फाउंड जो कि बी से मैच कर रहा था फिर आ गया बिल्ड जो इनमें किसी से मैच नहीं कर रहा था सी फिर किल उसी से मैच कर रहा है सी फिर uh, आ गया था स्काई जो वाई uh, फिर इसमें हाई से मैच करा ठीक है तो हमने ए बी सी सी बी सी सी ए बना लिया है राइट बट द पॉइंट इज दिस आर पोइट स्टिल डजेंट गेट एनी आंसर्स टू आर क्वेश्चन टू हिज क्वेश्चन इन पर्टिकुलर कि क्यों है ऐसा या आप लोगों को सोचना है जिस थिंग फॉर अ वाइल एज टू वाई डज ऑल ऑफ दिस वॉर ऑल ऑफ़ दिस वो वॉट इज दिस ऑल अबाउट एंड वाट इज दिस ऑल फॉर कि कहाँ से आयो कहाँ को जाओगे है ना ए, उसी मिट्टी से आयो एंड देन यू विल ऑल डाए वी विल ऑल डाई इन फैक्ट इट्स इन एविटेबल तो ये क्यों है किस चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों लोग हेटरेट क्रिएट करते हैं कॉज करते हैं ये सारी चीज़ें सोचो क्योंकि ऊपर से तो कुछ नहीं दिखता कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है सो आर पोएट हैज़ बिन वेरी इंट्रीगिंग टू नो ऑल ऑफ इट और उनके पास बहुत सारे अन आंसर्ड क्वेश्चन है जो उनको चाहिए सो यू ऑल हैव टू आंसर इट केयरफुली ठीक है चलो तो हम ना इसका समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फोर मार्कर क्वेश्चन आता है हमारे पास अक्सर एग्जामिनेशन में तो जब बड़े से पूछा जाएगा कि क्या समरी है तो आप बताओगे कि ये जो पोम है घोष बताते हैं कि दूर से देखा तो अर्थ कुछ और है पास से देखा तो कुछ और है सो इन दिस पोम घोष टॉक्स अबाउट थ्री थिंग्स तीन चीज के बारे में बेसिकली हमारे पोइट्स आप बात करते हैं फर्स्टली हाउ एवरी लुक्स फ्रॉम द स्काई पहले तो ये बताते हैं कि स्काई से सब कुछ कैसा दिखता है सेकेंडली हाउ सिविलाइजेशन वॉज सेटअप दूसरा पॉइंट कैसे सिविलाइजेशन सेटअप हुई यानी कि मॉडर्नाइजेशन आई लोगों में आ, जो प्रिवेलिंग नेचर है वो कैसे टाइम टू टाइम रिफॉर्म हुए चेंज हुए एंड लास्टली वाई पीपल हेट ईच अदर और लास्ट पार्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों लोग एक दूसरे से शत्रुता करते हैं जो दूर से नहीं दिखता है ना तो इन सब एक का रिलेशन है तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स को देखो बेटा ही सेज दैट फ्रॉम दैट हाइट एवरीथिंग सीम्स टू स्मॉल वो कहते हैं कि उस ऊंचाई से सब कुछ बड़ा छोटा छोटा दिखता है ही कैन सी द फुल सिटी प्रॉपर्ली वो पूरा सिटी को अच्छे से देख सकते हैं लेकिन मिनिएचर फॉर्म में ऑल्सो ही फाइंड दैट द सिटी इज नॉट प्रॉपरली प्लान एंड इज डिजॉर्गनाइज वो पास से जब देखते हैं तो ये बोलते हैं ना कि सिटी इतना प्लान नहीं है डिसऑर्गेनाइज सा लग रहा है ऐसा उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि दूर से कुछ और ही लग रहा है फेक है वो वेन द जेट रीच द हाइट ऑफ टेन थाउजेंड फीट जैसे ही जेट जो है दस हजार की हाइट पर पहुंचता है ही कुड सी दैट दिटीज व लोकेटेड नियर द रिवर्स और वाटर रिसोर्स वो देख सकता है कि सिटीज जो है रिवर और वाटर रिसोर्सिस के पास लोकेटेड हैं पड़े हुए हैं

फिर और कुछ कहते हैं वो सो पीपल सेटल्ड नियर द वॉटर रिसोर्से मोर एज दे अखवाया वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल दी एक्टिविटीज़ लोग पानी वाली जगह पे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए पानी चाहिए ही understands दैट द फर्टाइल लैंड एंड वाटर आर द की टू ह्यूमन existence। वो बोलते हैं कि जो अच्छी मिट्टी है पानी है ह्यूमन existence के लिए बहुत ज़रूरी है दस ये कैन सी ऑल द लॉजिकल रीज़न फॉर द डिवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ सिटीज वो सारे लॉजिकल रीज़न देखते हैं कि कैसे धरती इतनी विकसित हुई कैसे इवोल्यूशन हुआ एंड वॉट आर द की फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीफॉर्मेशन फॉर दिस इवोल्यूशन ठीक है तो ये बिहाइंड द कॉज जानने का ट्राई करते हैं सो दैट्स अबाउट इट हेटरेट के बारे में आप खुद सोच के लिखेंगे कि क्या उनके दिमाग में आया जहन में आया कि वट कॉज इज बेसिकली ही हैज सम समर्ड क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर बेटा ठीक है आपको आंसर करना है उनको बाय हुक और बाय क्रूक चलो अब बुक का कुछ ऐसे वर्कअप हमारे ब्रेन्स के लिए है एक एक्सरसाइज कर लेते हैं क्यू एन ए राउंड में आपको इसमें से बताना है सी लुक एट इट प्रॉपरली केयरफुली फाइंड थ्री और फोर stanzas इन और टू आपको तीन या फिर चार वाक्यांश निकालने हैं पैराग्राफ वन या टू से विच आर लाइकली टू अकर इन अ जियोग्राफी लेसन जो कि जियोग्राफी लेसन में होना आ, वो प्रेफर करते हैं प्रेफरेबल होते हैं लाइकली टू हैपन ठीक है ये बताना है डेवलप्ड द वे इट हैड सिटी जो है वो पला बड़ा था पैदा हुआ था जिस हिसाब से उसको होना चाहिए था बताओ जी सिटी बड़ा हुआ है विकसित हुआ है जैसे उसको होना चाहिए था आपको तीन या चार फ्रेजेस में ये बताना है इट स्केल्स सिक्स इंचज टू द माइल इतना बड़ा हो गया पहले से द कंट्री हार्ट सिटीज वेद द रिवर्स रैन ये सारे बेटा आंसर्स हैं कि आपको पता चल रहा है ज्योग्राफी में कैसे जो सिटी है उसमें चेंजेस आए हैं वन और टू स्टांस में तो यानी कि जोग्राफी लेसन में हम देखते हैं सिटी जो है डेवलप हुआ है फिर उसकी स्केलिंग हुई है सिक्स इंचज माइल से कंट्रीज हार्ड सिटीज द रिवर्स रैन कंट्रीज़ के पास अब वो सिटीज़ हैं जहाँ पे गंगा यमुना नदियाँ बहती हैं वैलीज पॉपुलेटेड थी पहले लैंड एंड वाटर को अट्रैक्ट किया आदमियों ने मनुष्यों ने ताकि वो वहाँ पे जाके रह सकें और रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन दिटी ऑफ योर्स जब हम उसको एरोप्लेन व्यू से देखते हैं तो सिटी कैसा दिखता है मैंने आपको डिस्टर्बिंग फैक्टर्स भी बताए थे बट सिटी दिखता कैसे है हाफ इज एज 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 ऑन ग्राउंड ग्राउंड इतना इतना जैसे पे दिखता है नीट अ मैप मैप की तरह साफ सुथरा एज डेवलप्ड एज नेसेसरी इतना विकसित लगता है जितना जरूरत है यानी कि जब हम ऊपर के व्यू से देखते हैं ना तब लगता है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है जितना अनिवार्य जितना जरूरी है उतना डेवलप्ड उतना विकसित लगता है ठीक है तो आ, इसको थर्ड को हमने मार्क कर दिया चलो जी नेक्स्ट बोला गया है बेटा आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ़ जियोग्राफी जियोग्रफी के लॉजिक्स क्या क्या हैं आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचो बेटा देर आर सिटीज वेर देर आर रिवर्स वहीं शहर होंगे जहाँ पे रिवर्स होंगे वहीं लैंड होएगी जहाँ पे पानी होएगा सिटीज़ अपियर एज दे आर नॉट फ्रॉम सिक्स माइल्स अबव द ग्राउंड सिटीज़ दिखाई देते हैं क्योंकि वो छः मील ऊपर ग्राउंड से ऊंचे नहीं है ठीक है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड बहुत आसान है समझना क्यों घाटियाँ पॉपुलेटेड है क्योंकि उस रिसोर्सेज को एक्सप्लोइड किया जाता है ना आफ्टर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हीट एंड किल वन अन अदर बहुत मुश्किल है समझना कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों दिखाते हैं क्यों लड़ाई करते हैं यार द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड अर्थ राउंड है मदर अर्थ इज़ राउंड गोल गोल है और उसमें ज़्यादा सी uh, है एज़ कम्पेयर टू लैंड ठीक है सी का एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैंड ये बताया था अभी तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई सारे पॉइंट हमने याद कर लिए हैं ठीक है बेटा सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी ऑल्सो टेल यू सम मोर फीचर्स ऑन अन अकेडमी यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट बहुत ही ब्यूटिफुल बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वन ऑफ देम इज आस्क अ डाउट नाउ आप जो है अनलिमिटेड डाउट्स किसी भी कोने में बैठ के अपने लाइव क्लासेस के दौरान भी उसके बाद भी कभी भी अन अकेडमी पर पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो जिसमें आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इंग्लिश में मिलेंगे हिंदी में भी मिलेंगे ठीक है तो यू डू नॉट हैव टू वरी अ बिट अब आपको एग्जैक्ट मैचेस ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आप जब भी, भी अपना इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस आपको लेना है तो आपको होमवर्क में एजिस्टेंस मिल जाएगी आपके सारे काम हो जाएंगे बट आपको पेशेंटली बैठना है और कुछ प्रोसेस को कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना है बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके पूछ आ, पूछा जाता है कि मैम डाउट्स कैसे पूछें आप आज का डाउट वाले ऑप्शन पे जाओ आप उसकी फ़ोटो सेलेक्ट करो यानी कि आप अपनी गैलरी से भी फोटो ले सकते हो जहाँ से आपने वो डाउट चुराया है लिया है जहाँ से आपका डाउट आया है और uh, फिर उसकी फ़ोटो सेलेक्ट करो फिर उसको और हाईलाइट कर दो एंड देन चूज अ सब्जेक्ट दैट द क्वेश्चन फॉल्स अंडर यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपका क्वेश्चन आता है उसको आपने कैटेगराइज़ uh, करना है बेसिकली एंड देन सेट टाइडली आपको आपके क्वेश्चन uh, का वीडियो सल्यूशन तभी की तभी मिल जाएगा बच्चा ठीक है नाउ देर आर समूज एंड डोंट देर आर सम पैरामीटर्स विच यू नीड टू कंसिडर इन ऑर्डर ऑफ आस्किंग योर डाउट प्रोसीजर ठीक है बेसिकली क्या होता है आपने बहुत ज्यादा डाउट्स अगर एक ही बारे में पूछ लोगे तो सिस्टम में वो क्लटर हो जाएगा on हो जाएगा सिस्टम को तो आपने क्या करना है वन एट अ टाइम डाउट यू should आस्क ठीक है तो एक बारी में एक ही डाउट उसके बाद घंटों बैठे रहो आपके पास बहुत सवाल आए हैं सबके जवाब मिलेगा लेकिन एक बारे में एक ही क्वेश्चन पूछना ट्राई uh, करना कि यार लेजिबल इमेजेस हों और बाकी जो हैंड रिटन आपके नोट्स होते हैं डाउट्स होते हैं उनको अवॉइड करना प्रिंटेड होंगे तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है एम है तो वो एक ही एक बारे में एक ही पार्ट भेजना प्लीज़ क्योंकि हर जगह एम सी क्यूज उलट पुलट करके आते हैं नाउ अनादर थिंग विच यू आर बाउंट टू नो विच यू शुड रियली नो अबाउट एज आर अनैडमिक कॉम्बैट चैलेंज स्कॉलरशिप जिसमें आपको एक करोड़ की प्राइज मनी मिलती है वीकली टेस्ट होते हैं बेटा ये इसमें आप सिक्स टू एथ के जितने भी बच्चे हैं ट्वेल्व पीएम पे रेडी हो जाएगा करो फ्री टेस्ट है एंड्रॉयड ऐप पे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना बस सिवाय अपने आप को इनरोल करने के सो आफ्टर वी आर डन विद दिस क्लास आफ्टर वी रैप अप द क्लास यू मस्ट इनरोल योर क्विकली ठीक है फॉर दिस कॉम्बैट स्कॉलरशिप जल्दी से कर लेना अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आपको टेन परसेंट ऑफ मिलता है ना निधि मैम का कोड लगा के उसमें बेटा आपको ना लाइव क्लासेस अपने कंफर्ट जोन से घर बैठे बैठे मिलती है आपको कोर्सेज़ की अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी हमारे जो इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं आप रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशनज उनसे किया करो आप पीछे पड़ रहा करो बस अपने टीचर्स के और इधर उधर सिलेबस के आपको झंडे वो झंझट नहीं खाने होंगे आपकी मेन्टोरशिप और गाइडेंस सब कुछ हम ही बन के आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प दैट यू मे रिक्वायर इन योर न्योर फ्यूचर विल बी प्रोवाइडेड बाई योर एजुकेटर्स दैट इज़ आस उसके बाद स्टडी मटीरियल पी डी एफ फॉर्मेट में प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट सीरीज बैच कोर्सेस सब कुछ आपको दिया जाएगा सो यू डू नॉट हैव टू वरी इवन अ माइन्यूट ऑफ यू नो बिट उसके बाद आपको ना प्लस सब्सक्रिप्शन में कुछ पैक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना है अगर आपकी पॉकेट ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है हमारी साइड से आपको जिस भी पैक में जिस भी प्लान में कम्फर्टेबल हो क्योंकि कुछ बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं कोचिंग जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत फिजबल प्लान ये आप इनिशियल स्टार्टर्स के बेसिस पे सिक्स मंथ्स पे जाके ट्राई कर सकते हो निधि जीरो वन कोड लगा के एंड देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली है ना उसके बाद अपने आप अपना पैक अपग्रेड करा लेना एक और आइकॉनिक फीचर है अन अकेडमी पे इसमें क्या है मान लो अगर आप ग्रुप स्टडी करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई इशू नहीं है आपके लिए उसका भी समाधान है उसका भी सोल्यूशन है वन ऑन वन लाइव क्लासेस हो सकती हैं आपकी आपके एजुकेटर्स के साथ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे वीकली रिपोर्ट आपको दी जाएगी बच्चा आपकी पेरेंटल कनेक्ट पेरेंटल काउंसलिंग होगी आपके मम्मा आपके पापा को कनेक्ट करके बताया जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है आपका स्टडी प्लानर और आपको सारे बेनिफिट्स अन अकेडमी प्लस के भी इसमें मिलेंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी चकदे फट्टे हो जाएगी आपको वेट नहीं करना है इफ़ यू रियली आर अ टाइप Uh, who prefers home tuitions and private tuitions, then you must go for this option. जो कि बहुत कन्वीनियंट है स्क्रीन के उस पार आपको आपकी पूरी दुनिया दिख रही है है ना तो आप सिक्स मंथ्स का इनिशियल बेसिस पे ऑप्ट कर सकते हैं निधि जीरो वन कोड लगा के एंड देन ऑल योर प्रॉब्लम्स विल गेट रिजोल्व इन अ जी तो निधि जीरो वन कोड लगाना इसलिए ज़रूरी है बेटा क्योंकि ट्राई टू फंड एज मच ट्राई एंड फंड योर अकेडमिक्स एज मच एज यू कैन ठीक है तो फॉर द मोस्ट पार्ट अगर आप टेन सेव कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है आप करो ठीक है तो हमारा जो ऑफ़र होता है uh, प्लस के लिए और आई के लिए उसकी भी वैलिडिटी है एंड इट गेट्स एक्सपायर्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है तो आपको जल्दी जल्दी से उसको परचेज़ करना है विदाउट हैविंग टू थिंक अपॉन इट लाइक डोंट फ्रेट ऑन इट टू मच इज़ वॉट आईड रियली सजेस्ट आपके पास ना अगर फ्री सी बी एस ई सब्सक्रिप्शन है या फिर क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है आप उस पर भी जा सकते हो है। ऑफर्स हैं दो महीने का चार महीने का छः महीने का अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड हाइड करो और फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस के लिए ही है ये तो फिर वेट मत करो यार ठीक है आज ही अनअकैडमी के सब्सक्राइबर बनो आप जो है पेमेंट मेथड्स भी आपको बताए गए हैं कि कैसे आप पार्ट्स में और जीरो कॉस्ट ईएमआई पे पे कर सकते हो तो उससे पहले प्रायर टू एवरी थिंग आपके लिए यू बेटर नीड टू बी इन्फॉर्म अबाउट द ऐप ना अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हो और अगर आपको प्लस या आइकॉनिक के फीचर्स को अवेल करना है तो अन अकेडमी आपको फटाफट से डाउनलोड करो गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पर मिलेगी है और निधि जीरो वन कोड लगाओगे तो फिर आपको सारे फीचर्स फ्री में ट्राई करने को भी मिल जाएंगे ठीक है सो आई थिंक दैट्स इट फॉर ऑल आई थिंक वी आर डन फॉर द डे लेट्स कॉल इट डे क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन करी हमने जो है रैप अप कर लिया सक्सेसफुली इस टॉपिक को नेम्ड बाय जल्दी बताओ टॉपिक का नाम जल्दी 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 से बताओ अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं जियोग्रफी लेसन्स की तो इंग्लिश में अपने आप को कन्फ्यूज़ मत कर लेना जियोग्रफी लेसन्स बहुत ही प्यारी सी पोम हमने पढ़ी है घोष जी की एंड दैट्स अबाउट इट आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी द लेक्चर द सेशन वॉज़ रियली इंफॉर्मेटिव मस्ट हैव बिन इन्फॉर्मेटिव एज आईड लाइक टू बिलीव सो आई वल सी यू द नेक्स्ट टाइम टिल देन डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ओके बाई